दैनिक जागरण के पत्रकार के ऊपर लगा ठेकेदार को धमका कर रंगदारी मांगने का आरोप। यह आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि ठेकेदार भगत राम लगा रहा है। जिस ठेकेदार को दैनिक जागरण के पत्रकार चंद्रराम राजगुरु ने फोन पर धमकाते हुए यह बोला कि यहाँ पर काम करना है तो हमारे हिसाब से चलना होगा, यहाँ पर हमारी चलती है तुम्हारी नहीं, और तुम जैसे ठेकेदारों की गलतफहमी भी निकालना हम अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ पर अगर काम करना है तो हमारे हिसाब से चलना होगा, आप चाहे विकास नगर रहें या कहीं और, लेकिन आपको हम वहीं से उठवा लेंगे। यह धमकी चंद्र राम राजगुरु के द्वारा ठेकेदार को दी गई और ठेकेदार से मोटे पैसे की वसूली करनी चाह रहा था चंद्र राम राजगुरु। बताते चले कि जब ऐसा नहीं हो सका तो अधिकारियों से मिलकर बटने जो ठेकेदार के द्वारा टेंडर डाला गया था और ठेकेदार को यह बता रहा है कि कहीं चंद्र राम राजगुरु को त्यूड़ी पहुंचने का खाने उसके बाद उसके परिवार को जान माल का खतरा लग रहा है। जबकि आपको यह भी बताते चले कि चंद्रराम राजगुरु की कुछ गुर्गे डाकपत्थर ठेकेदार के निवास पर पहुंचे थे और वहां ठेकेदार और उसकी पत्नी मौजूद नहीं थी, घर में अकेली लड़की मौजूद थी जिसको रामचंद्र राजगुरु के गुर्गों द्वारा उसको डराया धमकाया गया और उनका कहना था न मारने की आवाज में जान से मारने की धमकी भी दी गई। यह आरोप आज भगत ठेकेदार और उसकी पत्नी गीता के द्वारा एक होटल में प्रेस वार्ता के दौरान लगाए गए। अब देखने वाली बात यह होगी क्योंकि पीड़ित परिवार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को लिखे शिकायत पत्र भी दी है, लेकिन अभी तक भी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस भी चंद्र राम राजगुरु के इशारों पर चल रही है, क्योंकि मामला रंगदारी और परिवार को डराने और धमकाने का है। इसके बावजूद भी पुलिस ने अभी तक भी आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट तक नहीं दर्ज की है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी क्या पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर पाती है या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल तो ठेकेदार और उसका परिवार डर के साए में जीने को मजबूर है। जी, जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला, कौन आप लोगों के घर में घुसे थे और कौन क्या आपसे मांग कर रहा है? अरे ये है, उनके आदमी है, आए थे ऊपर से, उनके ही तरफ के हैं, और इतना मेरे को पता नहीं है, मैं अपने आप खुदती हुई नहीं थी। नहीं, किन किन के हैं नाम बताइए, कौन है, क्या है, पूरा नाम बताइए, पूरा कहानी बताइए। वो है धर्मानंद, विकाराम और यशनाथ, ये मेरे कमरे में घुसे थे। चंद्रराम राजगुरु क्या है इसमें? उनके तो सीनियर वही है। अच्छा, सीनियर वही है, उनके कहने से करते हैं, पंडित लोग सब उनके कहने से करते हैं, आज से नहीं कई साल से हमारे लिए दबाव में है, हम उनके दबाव में रहते हैं, डर के मारे की बिल्कुल रहते हैं, ऐसे तो होती ज्यादा आती। इस बार तो मेरे डाक पत्थर में लड़की थी, जवान लड़की, और वहाँ घुस गया, उसको डराया धमकाया है, और क्या बोलते हैं, मेरे हमारे लिए डराया धमकाया, अभी इसके बाद भी मेरे को तो बहुत कुछ बोल रखा है। क्या बोलते हैं, वो चात्रा में भी मेरे पति की ड्यूटी है और त्यूनी में मेरे लड़के का साइबर का दुकान है, उनको भी कुछ हो गया तो वही फंसेंगे, वही जानेंगे जो भी है। और नहीं, क्या, मेरे को क्या क्या मांग करते हैं आपसे, क्या पैसे की मांग करते हैं? पैसे की मांग करते हैं, ऐसा बोलते हैं, जब बोनठेलदार को बोलते हैं कि मेरे को पैसे दो तब काम करने दूंगा, नहीं तो नहीं करने दूंगा, ऐसा बोलते हैं। क्या? मैं तो लेबर ही देती हूँ कौन ठेकेदार को, कौन ठेकेदार को पूछे नहीं, क्या चंद्रराम राजगुरु कोई अधिकारी जो पैसे की मांग करता है, कौन है वो, क्यों पैसे की मांग कर रहा है? पत्रकार भी है, ठेकेदार भी है, इसीलिए वो मांगते होंगे पैसे। अच्छा, पत्रकार भी है और ठेकेदार भी है? हाँ, पत्रकार भी है, ठेकेदार भी है। ठीक, गुरु जी से बात करो, आप गुरु जी से बात करो, भगत राम। हाँ जी, हेलो हेलो, एक बार सुन ले भाई। हेलो, तुम हमेशा आते हो यार, तुम हमेशा डाल के जाते हो टेंडर, ऐसा करते तेरे को दे देते हम सारे टेंडर। क्या चीज? नहीं, तू आप हमेशा आते हैं और बिना मिले हुए टेंडर डाल के चले जाते हैं। नहीं, मैं उसको दिया था ना, फोन नहीं करा थी मेरी बात। देखिए, हम शराफत से भी पेश आते हैं, हम दूसरे ढंग से भी पेश आते हैं। आपने करना है ना, बात सुनो, ऐसा ना मैं लक्की दे दूंगा, बोल तो दिया पंडित जी। चात्रा हनोल में काम करना है ना, तो वहाँ तो हमारे हिसाब से होगा, अगर हम अपने पे आ जाएंगे ना। तो यार जितनी तेरी ताकत होगी उतनी लगा लेना तू। क्या चीज? मैं बता रहा हूँ ना तेरे को, हनोल चात्रा में काम करना है ना, अगर हम अपने पे आ गए ना भगत राम, तो जितनी तेरी ताकत होगी उतनी ताकत लगा लियो। ताकत हमने क्या करना? नहीं तो एक बार बताओ ना, सारे लोग हैं बेवकूफ है, इतने लोग यार, इतने लोग तुमको फोन कर रहे हैं यार,
ऐसा होता है ना, देखो हमारी तरफ से कभी कोई गलत पहल नहीं होती। हाँ जी हाँ जी, लेकिन अगर गलत फहमी में रहोगे तो गलत फहमी परमानेंट दूर भी कर देंगे। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं खुलेआम भी बोल रहा हूँ। मैं आदमी हूँ, मुझे कहीं भी तू मिलेगा ना, मैं तुझे वहीं पकड़ लूंगा। वो तो छोड़ अनोल चात्रा, नहीं तो मुझे क्या पता जनपद में कहीं भी मिलेगा तुझे, मैं कहीं भी पकड़ लूंगा। तू क्या सोच रहा है यार, तू कर लेना वो जो तेरे से उखड़ेगा। जानता है मुझे, मुझे कहीं दिख भी गया ना विकास नगर में। हाँ तो आप ही उखाड़ लेना, कल ही आ रहा हूँ, कल ही उखाड़ लेना मेरा, ठीक है। अरे तू आ जा, कल ही आ रहा हूँ मैं। अभी भी होता कोई चीज होती है, अपनी बात होती है, सामने रखनी चाहिए ना कि मेरी ये बात है। धमकी काहे के दे रहे, तो वही तो कह रहा हूँ मैं, लेके दे रहा हूँ। कितने फोन कर दिए तुमको बताओ, कितने फोन कर दिए, सबने कर दिए फोन।